शपथ ग्रहण समारोह के महज कुछ घंटों के भीतर छत्तीसगढ़ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बुलाई गई और पदभार संभालने के दूसरे ही दिन नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी वादे पर मुहर लगा दी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के पहले फैसले के तौर पर करीब 18 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण को मंजूरी दी गई। वहीं साय सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने का ऐलान किया। निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। हालांकि शराबबंदी जैसे सवाल पर विष्णुदेव साय मुस्कुराते दिखे और कुछ बोलने से बचते नजर आए। क्या शराबबंदी को बंद करेंगे?